रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास पार्ट वन शिवा ने रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ब्रह्मास के रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार इसके दूसरे पार्ट के रिलीज डेट को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं समग्राम और बिना किसी देरी हम चलते हैं आगे की वीडियो की ओर। एक इंटरव्यू में फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने एक इंपॉर्टेंट बात की। अयान मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ब्रह्मास पार्ट टू को रिलीज करने का हमारा टारगेट दिसंबर 2025 का है। फिल्म को लेकर हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, हम फिल्म को बनाना चाहते हैं, 3 सालों के अंदर हम इसको रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है ये हमारे लिए कठिन समय भी है। ब्रह्मास पार्ट वन शिवा से हमने सीख लिया है कि इस तरह की फिल्म किस टाइप से बनाई जाती है। अयान मुखर्जी ने कहा है कि ब्रह्मास पार्ट टू की स्क्रिप्ट पर काम पहले से ही किया जा रहा है, हम इसकी स्टोरी को लेकर कई रिसर्च और करेक्शन भी कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि फिल्म फ्लोर पर जाना उतना जरूरी नहीं है जितना फिल्म की रिलीज को लेकर फाइनल करना है। उनका कहना है कि इस तरह की फिल्म पर प्री प्रोडक्शन, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करना इम्पोर्टेंट होता है। फिल्म की कोर टीम जैसे ही तैयार हो जाएगी वैसे ही हम फिल्म की शूटिंग चालू कर देंगे। वैसे अयान मुखर्जी की इन बातों से लग रहा है कि जो गलतियां ब्रह्मास के पार्ट वन शिवा में हो चुकी हैं उसे वो फिर से नहीं दोहराएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मास पार्ट टू पहले पार्ट से कई गुना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। ब्रह्मास पार्ट वन शिवा की अब तक की कमाई पर नज़र डाली जाए तो इस फिल्म ने अब तक सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही 119 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है, वहीं इसने सभी भाषाओं में 135 करोड़ की कमाई की है। वहीं ट्रेंड एक्सपर्ट का कहना था फिल्म अगले 2 दिनों में हिंदी लैंग्वेज में ही 200 करोड़ का आंकड़ा छू जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है। हालांकि फिल्म ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड लगभग 253 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्राम। थैंक यू।